प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रविवार के दिन पटना में रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था 2500 पुलिस बल, 250 अधिकारी, 100 वरीय पुलिस अधिकारी, 250 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। पटना SSP राजीव मिश्रा खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी पटना में प्रधानमंत्री पहली बार रोड शो कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 2014 में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान अप्रिय घटना हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर काफी सवाल खड़े हुए थे, जिसको देखते हुए इस बार पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं रोड पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, यातायात में भी कई बदलाव किए गए हैं। जिस रास्ते से नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान गुजरेंगे, उन रास्तों के बिल्डिंगों पर पुलिस का बल मौजूद रहेगा। पटना SSP राजीव मिश्रा ने बताया है कि नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है, साथ ही साथ 2500 पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। वहीं आसपास के सभी बिल्डिंगों की भी तलाशी ली गई है तथा सभी होटलों की भी तलाशी दी गई है। कौन से किराएदार किस बिल्डिंग में कब से रह रहे हैं, इसकी भी जानकारी जुटा ली गई है तथा तमाम होटलों में कौन कौन से लोग रह रहे हैं और किस मकसद से हैं, इसकी सारी जानकारी जुटा ली गई है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, पटना SSP राजीव मिश्रा की जुबानी सुने। देखिए, हम लोगों ने पूरे रास्ते को बैरिकेड कर रखा है और जो गाड़ियां अभी चल रही हैं वो हम लोग 1 बजे के बाद जब एंटी सबॉटेज जांच हमारी हो जाएगी तो उन सबको हम लोग वैकल्पिक रास्तों से चलाएंगे। इसके अलावा जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स पर भी हम लोगों ने बलों की प्रतिनियुक्ति कर ली है। पिछले 4-5 दिन से सभी जो घर हैं हम लोगों ने उसका सेंसस किया है, घरों में कौन लोग रहते हैं, कोई किराएदार रहता है, कोई नया किराएदार है, कोई पुराना किराएदार है। जो दुकानें हैं उन दुकानों का भी हम लोगों ने पूरी जानकारी प्राप्त की है, दुकानों को कौन ओन करता है, कौन लोग वहाँ काम करते हैं, सब का सारा डिटेल हम लोगों ने उनके आधार कार्ड वगैरह के साथ जो है कलेक्ट किया है, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया, इस पूरे एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया, तो सभी जो SHO हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो ड्रोन जो बेचने वाली दुकानें हैं वहाँ भी इस बात को बता देंगे, उनको वहाँ पर बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग ड्रोन किराए पर लेकर चलाते हैं कई जगहों पर, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनको भी इस बात के लिए निर्देशित किया जाएगा कि वो जो है आज और कल के लिए, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का पटना से डिपार्चर नहीं हो जाता तब तक के लिए किसी को किराए पर ड्रोन नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने जिस तरह की जितनी भी तैयारियां होनी है सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सर, भीड़ काफ़ी होगी, कितने लेन में सुरक्षा लगाई गई है? नहीं, पर्याप्त जो है सुरक्षा लगाई गई है। जहां ज़्यादा भीड़ की संभावना है वहां हम लोगों ने डबल बैरिकेड किया है, सड़क के बीच में भी किया है, सड़क के दोनों फ्लैंक पर भी किया गया है और वहाँ पर उसी संख्या में जो प्रपोर्शन में बलों की प्रतिनियुक्ति भी ज़्यादा की गई है, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पर अलग से हम लोगों ने QRT भी दे रखी है।